वेलकम फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे आपकी नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। बच्चों, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है? आपको शायद थोड़ा आइडिया होगा कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, तो पहले मैं कोऑर्डिनेट्स बता देता हूँ, उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ में आती चली जाएगी। बहुत सिंपल चैप्टर है, मेरे ख्याल से एक आध घंटे में हम इसे खत्म कर देंगे। ओके, आर यू रेडी टू गो? ओके, ठीक है। सो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? हमने पिछली क्लास में नंबर लाइन पढ़ी थी ना, याद है सबको? एक एक्सिस होती है, जीरो होता है, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यह है नंबर लाइन, दिख रही सबको? ऑलराइट, अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसी से शुरुआत करते हैं, आगे जोड़ते हैं। इसको अगर मैं बोलूं एक्स एक्सिस, क्या बोलूं? एक्स एक्सिस, एक्स, इसको मैं बोलता हूं एक्स एक्स एक्सिस। तो अगर मैं एक और लाइन ड्रॉ कर दूं परपेंडिकुलर, वन टू, इसको मैं बोलूं वाई वाई एक्सिस, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री, तो ये एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बन गई। ठीक है, तो बस यही है, एक्स एक्सिस आपने पढ़ ली थी, वाई एक्सिस आज हम पढ़ लेंगे, और एक्स और वाई एक्सिस के साथ जो मैथमेटिकल टर्म्स इन्वॉल्व हैं, जो चीजें इन्वॉल्व हैं, उन सबको हम आगे पढ़ेंगे। वही है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लेवल पे। ठीक है, तो एक एक्स एक्सिस एक वाई एक्सिस, तो ये चार क्वाड्रेंट्स बन गए, चार क्वाड्रेंट्स, क्वाड्रेंट वन, क्वाड्रेंट टू, क्वाड्रेंट थ्री, क्वाड्रेंट फोर, याद रहेगा? वन टू थ्री फोर इसी सीक्वेंस में रखना है, वन टू थ्री फोर, क्योंकि आगे बहुत सारे सवाल इसी पे आने वाले हैं। ठीक है, इतना समझ में आता है? ओके, तो बच्चों हम ये क्यों करते हैं, हमने इसे क्यों किया? देखो, उसको नजर में रखना, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो चीज तो आपके काम की है ही है, अब आप यहाँ पे समझिए। हमें ये जो पॉइंट है ना, ये इसको बोलते हैं ओरिजिन, ओरिजिन। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है ये बताते हैं। ठीक है, क्या होता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोऑर्डिनेट्स के बेसिस पे हम किसी भी पॉइंट की पोजीशन पता लगा सकते हैं कि वो कहां पर है। फॉर एग्जांपल, मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर मुझे जानना हो कि दिल्ली से आगरा किधर है, तो देखो दो चीजें मैं पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं दिल्ली से आगरा किधर है, तो अगर आप वैसे बताना चाहोगे तो बोल सकते हो आप दिल्ली से आगरा 230 किलोमीटर है, लेकिन किधर? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ? क्या दिल्ली से आगरा स्ट्रेट ईस्ट में हो सकता है? हाँ, हो सकता है अगर स्ट्रेट लाइन पे हो। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल में समझाता हूं, मान लो यह है दिल्ली, और यह है आगरा। ठीक है, और कोऑर्डिनेट्स को समझ लो आप, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, समझने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ समझ लिया हम, मैं पूछ रहा हूं दिल्ली से, तो हमने दिल्ली को ओरिजिन मान लिया, तो दिल्ली से आगरा जाने के लिए हमको जाना तो ऐसे है, यहां से चलेंगे कट 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 कट,
आगरा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ दिल्ली से आगरा किधर है, तो आप मुझे कैसे बताओगे कि दिल्ली से चलेंगे कट 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 पहुंच जाएंगे आगरा, ऐसे तो बताओगे नहीं। तो आपको मुझे कुछ बताना पड़ेगा कि ईस्ट कितना चलो, या ईस्ट और नॉर्थ के बीच में एक डायरेक्शन है उस पे चलो तो आप आगरा पहुंचोगे, या दूसरा तरीका आप ये बता सकते हो मुझे कि भाई दिल्ली से ईस्ट आप चले जाओ इतने किलोमीटर, लेट्स से ये 1 किलोमीटर है, और फिर उसके बाद जहां पे 1 किलोमीटर चलने का, फिर आप नॉर्थ की तरफ चल देना, और नॉर्थ की तरफ आप चलते जाना 20 किलोमीटर, तो आप आगरा पहुंच जाओगे। लेकिन लंबा रास्ता है, पहले ऐसे चलोगे फिर ऐसे चलोगे, ठीक है। हो सकता है कि मैं ऐसे रोड जो बनी हो सकता है ऐसे 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 ऐसे, फिर यहां पे ऐसे निकल गई हो, एक ऐसे निकल गई हो, ऐसे गई हो, फिर ऐसे गई हो, तो मुझे ऐसे इस रास्ते से आना पड़ेगा, इस रास्ते से होते हुए इस रास्ते से आना पड़ेगा, ये तो निकल गया इधर, तो मुझे ऐसे आना पड़ेगा आगरा। लेकिन कब मैं जानूंगा कि मैं आगरा पहुंच गया, तो एक सिंपल तरीका यह है कि आप दिल्ली से बोलो कि 1 2 3 4 5, आगरा के कोऑर्डिनेट्स है 5, ईस्ट की तरफ गए, और लेट्स से 1 2 3 3 नॉर्थ की तरफ गए, तो आप आगरा पहुंच जाओगे। तो लोकेशन समझने के लिए रिलेटिव टू वन ओरिजिनल ओरिजिन पॉइंट, कि एक ओरिजिन पॉइंट जो इस एग्जाम्पल में दिल्ली है, उसके रेफरेंस से हमारा आगरा कहाँ लाई करता है, 5-3 पे लाई करता है। 5-3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, पहले हम एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस लिखते हैं, फिर हम वाई वाला लिखते हैं, हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, पहले एक्स फिर वाई। एक्स में पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, वाई में भी पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, याद रहेगा, ठीक है। तो अब समझ में आएगा, थोड़ी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। एक दो सवाल भी कर लेते हैं, जैसे आपके जो एक्स एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको एब्सिसिया भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एब्सिसिया, और वाई एक्सिस पे जो होते हैं उसे ऑर्डिनेट, एब्सिसिया एंड ऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। एब्सिसिया, ठीक है। एक तो सवाल कर लेते हैं इस पे, बहुत सिंपल सिंपल सवाल हो गए, ठीक है। वो आप कोऑर्डिनेट याद रखिएगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बनता है, क्वेश्चन बनता है कि ड्रॉ 3-5 ऑन कोऑर्डिनेट्स, कैसे ड्रॉ करोगे, सिंपल है, 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, हमेशा याद रखना, पहले लिखा जाएगा एक्स एक्सिस एब्सिस्सा देन ऑर्डिनेट, उल्टा नहीं होगा, पहले एब्सिस्सा देन ऑर्डिनेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ओके बच्चों, एक और सवाल करते हैं इसी पे। सवाल ऐसा बन सकता है कि फॉर एग्जाम्पल ड्रॉ 0, 2, -1, 3, 1, 0, 1, -3, ये चारों सवाल चारों पॉइंट्स आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। सो 0 2 कहां पे होगा, ऑलवेज अंडरस्टैंड कि पहले जो लिखा होगा वो एब्सिसा होगा, इसको हम एक्स कोऑर्डिनेट पे ढूंढेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट पे 0 कहां मिलेगा करके, यहां से चलते जा रहे हैं, -2, -3, -2, यहां मिल गया, यानी
इस पूरी लाइन पे हमें यही रुकना है x एक्सिस पे, ठीक है। अब हम यहां से मूव करेंगे y की तरफ, वो क्योंकि ऑर्डिनेट क्या है, 2 है, तो 2 कहां हुआ, यहां आ गया। तो दिस पॉइंट इज 0, 2, ठीक है। अगला सवाल, -1, 3, -1 एक्स पे है, हम एक्स एक्सिस को ढूंढना शुरू करेंगे, -4, -3, -2, -1, यहां मिल गया -1। अब हमें इसको तो पकड़ लिया हमने, अब हम यहां पे वाई की तरफ मूव करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो -1 का 3 जाना है, 3 किधर होगा, 1, 2, 3, तो एक्स तो तुम्हारा ये बन गया और वाई आया यहां, दिस पॉइंट इज -1, 3। अगला 1, 0, ठीक है। तो कैसे ढूंढेंगे, 1 एक्सिस पर चलना शुरू करेंगे, -4, -3, -2, -1, 0, 1, ये मिल गया 1, पकड़ लिया इसको। अगला 0, y एक्सिस पे 0 है, तो y एक्सिस पे 0 है तो ये हुआ ना, y एक्सिस पे भी 0 यही है, तो x पे 1 और y पे 0, कौन सा पॉइंट हुआ, ये हुआ ना, क्योंकि y एक्सिस पे तो ऐसे मूव करते हैं, ये 0 हो गया, x एक्सिस पे ही रहेंगे, x एक्सिस तो 1 हो गई ना, तो हम यहां पे पूरा ढूंढ रहा था 1, ये मिला, y 0 था, y पूरा ऐसे ऐसे ढूंढ रहा था, ये मिला, ये जो पॉइंट हुआ ये 1, 0, यहां पे x 1 है और y 0 है, क्लियर है, कोई डाउट, मुश्किल लगा, फिर बता देता हूं इसी के सवाल को थोड़ा दोबारा से करके बता देता हूं कि 1, 0 कैसे बन गया। बहुत सिंपल है, पहले दौड़ना शुरू करो एक्स एक्सिस पे, एक्सिस पे दौड़ना शुरू करो, डू 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 डू, जहां पे बना गया वहां रुक जाओ, ये है मेरे, अब मुझे ना इधर जाना है ना इधर जाना है, यही रहना है, यही पे ऊपर नीचे मूव कर सकता हूं, क्योंकि एक्स पे 1 फिक्स हो चुका है। अब वाई पे दौड़ना शुरू किया, -4, -3, -2, -1, 0, वाई पे 0 मिल गया, तो y पे ना उधर जा सकता हूँ ना इधर रह सकता हूँ, उल्टा चलता है, तो y पे मुझे 0 पे रहना है और x पे 1 पे रहना, तो ये पॉइंट जो है वो कॉमन है, इस पूरी लाइन पे y 0 है, इस पूरे लाइन पे x 1 है, तो 1, 0। अगला सवाल करेंगे आप, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1, -3, ठीक है, तो x पे तो 1 ही रहा, y पे -3 यहां है, तो देखो x पे 1 था तो 1 सबके लिए यही है x का 1, ठीक है, y -3 है तो ये रहा -3, तो ये जो पॉइंट आया ये बन गया 1, -3, ठीक है। एक और सवाल करता हूं जिससे बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा, हद से ज्यादा क्लियर हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, करो, ओके, ठीक है, चलो कर लेते हैं ये, डिंग 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 डिंग, ठीक है। आपको फाइंड करना है 1, 0, 1, 1, 1, -1, ये तीनों पॉइंट फाइंड करते हैं, अगर ये दोनों फाइंड कर लिए, क्लियर कॉन्सेप्ट, क्लियर 1, 2, -1, -2, 1, 2, -1, -2, ये x, ये y, ये abscissa, ये ऑर्डिनेट, पहला पॉइंट 1, 0, ठीक है, 1 ये है x पे, जो x पे 1 है तो हम ये चलेंगे, y पे 0 ये है, 0, ये पॉइंट मिला तुम्हें 1, 0, दूसरा पॉइंट 1, 1, एक्स का 1 तो यही रहेगा, वाई का 1 ये हो गया, दिस इज 1, 1, तीसरा पॉइंट है 1, -1, एक्स का 1 तो फिर भी सेम ही रहेगा,
वाई का माइनस वन ये हो गया, आप गौर से देखो ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि तीनों पॉइंट में एक्स कॉमन है, वन वन वन, और एक्स वन सिर्फ इस लाइन पे हो सकता है, इस लाइन पे हर पॉइंट पे एक्स वन है। उसी तरह से इस लाइन के हर पॉइंट पे एक्स माइनस वन है, अब क्लियर है? पॉइंट्स को ढूंढना कहीं भी, एक्स पे चल दो, वाई पे चल दो, जोड़ दो बस। जीरो वाले में कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, बस वो ध्यान रख लेना कि वो एक्स का जीरो है या वाई का जीरो है। एक्स का जीरो है तो ऐसे मूव कर सकते हो, वाई का जीरो है तो ऐसे मूव करोगे। दोबारा बताता हूं, एक्स का कोई पॉइंट है चाहे जीरो हो चाहे वन हो, हमेशा ऐसे मूव करता है। जैसे यहां पे एक्स वन था तो वन ऐसे 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 मूव हो रहा है, एक्स जीरो होता तो ऐसे ऐसे मूव होता, एक्स माइनस वन होता तो यहां मूव होता, वाई बदल रहा है, जीरो वन माइनस वन, वाई जीरो यहां है, वाई वन यहां है, वाई माइनस वन यहां है, ठीक है? ठीक है, से और सवाल बनते हैं बच्चों इस पे, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत छोटा सा चैप्टर है। जैसे कुछ सवाल बनते हैं इस पे कि ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है, ये कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करता है। देखो मैं आपको सिंपल सिंपल तरीका बताता हूँ, ठीक है? ये सवाल कर लेंगे, पहले चीज समझ लेते हैं कि पहले क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होता है, वाई भी पॉजिटिव होता है, दूसरे क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है, तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव होता है, वाई भी नेगेटिव होता है, चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होता है, वाई नेगेटिव होता है। ये मैंने क्यों कह दिया, आप यहां पे देख लो, पॉजिटिव पॉजिटिव एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, बस। अब आंख बंद करके लगा सकते हो, पॉजिटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट वन, नेगेटिव पॉजिटिव क्वाड्रेंट टू, नेगेटिव नेगेटिव क्वाड्रेंट थ्री, सिंपल। ये सवाल है और कोई सवाल नहीं है, खत्म हो गया आपका एक मिनट। मुझे इसमें और कोई सवाल नहीं नजर आ रहे हैं, मुझे लगता है इतने काफी हैं। अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं है तो दोबारा पूछेगा। थैंक यू बच्चों।